हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। भारत एक कृषि प्रधान देश है, आप जानते हैं। हमारे यहाँ कृषि में रोजगार की अपार संभावना है, और इस विषय को देखते हुए, इस विषय की गंभीरता को देखते हुए मैंने एक केंद्र खोजा। आइए उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं। आइए मिलते हैं कुछ भाई बंधुओं से। देखिए, ये कृषि विकास केंद्र है बड़ा गाँव वाराणसी में। आइए भैया से पूछताछ करते हैं और जानते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। भैया नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राजन है। आप इस वक्त YouTube के एक चैनल पर हैं। आप थोड़ा सा इस केंद्र के बारे में बताएं, किस प्रकार के बीजें अवेलेबल हैं इसके बारे में बताएं। जी नमस्कार, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय आपको दे दूं कि मेरा नाम प्रिंस कुमार मिश्रा है और मैं FMC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एज ए SIO के पोस्ट पर, सेल्स ऑफिसर के पोस्ट पर यहाँ पर कार्यरत हूँ। और मेरे पास दो डिस्ट्रिक्ट है, वाराणसी और चंदौली। मैं इस समय बड़ा गाँव थाने के बगल में कबीरामपुर गाँव के सामने कृषि विकास केंद्र के पास खड़ा हूँ। इनके पास माननीय डॉक्टर योगेंद्र सिंह पटेल जी के पास विजिट करने आया था। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ जो होती है और जो ये डीलरशिप होते हैं, इनके पास कंपनियों का डीलरशिप होता है और इनके पास प्रमाणित बीज और उच्च कोटि की दवाई, MLC कंपनियों की दवाई जो हमारे किसान बंधु खेतों में यूज करते हैं कीटनाशक के तौर पर, हर्बिसाइड के तौर पर, फंगिसाइड के तौर पर। अभी आपको हम बता दें तो अभी हमारा धान का सीज़न चलने वाला है, मिर्चे का सीज़न चल रहा है, तो हाई टेम्परेचर होने की वजह से अभी किसान जो है अभी बीज तो ले जा रहे हैं लेकिन अभी डाल नहीं रहे हैं, और बारिश वारिश की संभावना अभी दिख नहीं रही है। मौसम विभाग कह रहा है कि जून 20 जून से बारिश होने की संभावना है। तो किसान सीड ले जा रहे हैं, धान ले जा रहे हैं, मिर्चे का बीज ले जा रहे हैं, रख रहे हैं, लेकिन अभी क्या है कि नर्सरी वर्सरी पड़ नहीं रही है। जैसे ही नर्सरी पड़ना शुरू हो जाएगी तो दवा भी बिकना शुरू हो जाएगा। और जिसमें जैसे उच्च कोटि के बीज होते हैं, BNR कंपनी के होते हैं, नामदारी कंपनी के होते हैं, तमाम ऐसी बड़ी कंपनियाँ हैं जिन जिन कंपनियों का बीज डीलर, जो हमारे डीलर बंधु हैं, रिटेलर बंधु हैं, वो रखे रहते हैं, वो किसानों को प्रोवाइड करते हैं और किसान ले जाते हैं और जिससे अपना जो है वो लगाते हैं खेतों में, उसको अच्छे से दवा से ट्रीटमेंट करते हैं, फिर उसके बाद वो फसल तैयार हो जाता है तो बाज़ार में मंडियों तक ले जाते हैं। बाकी अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है अपना डीलरशिप देती है, डीलरशिप से वो रिटेलर तक जाता है, रिटेलर वहाँ से फिर फार्मर को देता है, फिर उस रिटेलर का अगर मार्केट में आसपास होल्ड रहता है तो थोड़ा होलसेल भी करता है, तो इस प्रकार से बिजनेस करते रहते हैं। और FMC कंपनी की बात करें तो ये USA की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, और इसका एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट आता है। पहले तो इसका एक कोराजन दवा आता है, सारे लोग जानते हैं कोराजन अक्सर मिल वाले गन्ना के एरिया में ज़्यादा प्रयोग होता है। अगर कोई भी किसान गन्ना लेकर जाता है अपना, तो मिल वाले उसके एवज में कोराजन देते हैं, बिना कोराजन दिया हुआ गन्ना नहीं उपयोग करते। उसी कंपनी का एक बहुत ही ज़बरदस्त दवा बेनेबिया के नाम से आया है। बेनेबिया एक ऐसी दवा है कि अगर किसी भी क्रॉप में पड़ जाती है, किसी भी फार्मर अपने क्रॉप में यूज कर लेता है, तो वो क्वालिटी और प्रोडक्शन को बढ़ाता है। जैसे कि डॉक्टर लोग बच्चा पैदा होता है तो वैक्सीन लगा देते हैं कि बच्चा बीमार ना होने पाए, उसको बड़ी बीमारियां ना होने पाएँ, फिर भी बच्चा लेटरिन पेशाब कर देता है तो बीमार हो जाता है। सेम उसी प्रकार से जब हमारा छोटा किसान, जो कि क्या है कि हम लोग भारत कृषि प्रधान देश है जैसे आपने बोला है, और जवान और किसान दोनों भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान क्या है कि अब जो पौधा लगाता है, अपना बीज उपचारित करता है, वो एक अपना सपना लगाता है कि हम अगर ये हो जाएगा तो इससे हम अपने लड़के की शादी, अपना मकान बनाएंगे, अपना परिवार करेंगे, इस प्रकार से अपने घर का विकास करेंगे। तो क्या है कि अगर शुरुआती दौर में पौधा मर गया तो किसान को तो सारा चीज़ ख़त्म हो गया। तो बेनेबिया क्या है कि जब शुरुआती अवस्था में पड़ जाता है तो वो एक तरीके से टीके का काम करता है। जहाँ फार्मर 10-15 स्प्रे करते हैं, वहाँ नंबर ऑफ स्प्रे कम हो जाते हैं। बेनेबिया से रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ा देती है, और फसल आज तोड़ा है कल मंडी में ले जाएगा, फिर भी लगेगा कि अभी तोड़ के लाया है। ये ऐसी दवा है। और बेनेबिया जो है कि अगर बेनेबिया पड़ा हुआ फल मंडी में चला गया तो व्यापारी खोजते हुए उसको घर तक आता है, क्योंकि किसान को क्या चाहिए कि हमारा फल जो है लाइटदार चमकदार होना चाहिए, तो ये दवा ऐसा बना देता है। यहाँ खड़ा होकर बोलिए भैया, क्या है कि ये अगर दवा के बारे में और विस्तार पूर्वक जानना चाहें तो वो मैं आपको बता दूँ बेनेबिया के बारे में। और भी आप अगर कुछ बताना चाहें जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट रखे हुए हैं, किस प्रकार के बीजें हैं। हाँ, प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारा एक प्रोडक्ट यहाँ रखा हुआ है, FMC कंपनी का फर्टेरा। तो उसको उठाइए, तो
ये फर्टेरा जो है इसमें सीटीपीआर पाया जाता है जी जी। और इसमें क्लोरो इंट्रानीलिपोल टेक्निकल नाम होता है 0.4% है जी जी। ये ग्रीन केमिस्ट्री है जी। पहले जी। तो जान लीजिए कि किसान सभी किसान बंधुओं को मैं यही बताता हूँ कि आप दवा लेने से पहले उस पर लेबल का ध्यान जोड़ दीजिए। ये ग्रीन केमिस्ट्री जो होती है जी जी, ये खेत में जो मित्र कीट होते हैं उनको नहीं नुकसान पहुंचाता है। मित्र कीटों का खेत में होना बहुत ही आवश्यक है, और कभी कभी किसान क्या है कि सेफ्टी का ध्यान नहीं देता है। आज के समय में सेफ्टी बहुत जरूरी है। जैसे हाई टेम्परेचर है इस समय, अगर जरूरत है तभी सुबह शाम घर से निकले, नहीं दोपहर में कहीं आराम करें। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये इस लेवल की दवाइयाँ जो है वो खेत के मित्र कीटों को नुकसान नहीं पहुँचाती। यही रेड लेवल आप यूज करेंगे तो आपके खेत की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम हो जाएगी और उसके पैदावार जो है कम हो जाएंगे। और ये क्या कि कभी कभी किसान जल्दीबाजी में स्प्रे किया, दवा डाला, हाथ धोना भूल जाता है, तो ये लाल रक्त संचरण पे भी काम करता नहीं है। करता है, निष्क्रिय हो जाता है जी। जैसे ही रेड खून के टच में जाएगा ये निष्क्रिय हो जाएगा। ये पीला, काला, नीला इस तरह के कीटों को मारता है, और मारता ना कि है उसको लकवा मार देता है, उसका मुँह को बंद कर देता है, धीरे धीरे वो कीट मर जाते हैं। ये फर्टेरा जो है हमारा धान के लिए विशेष है और गन्ने के लिए है। धान में जब आप नर्सरी डाल दिए, नर्सरी डालने के बाद जैसे ही आपने ट्रांसप्लांटिंग कर दिया तो 15 से 30 दिन के अंदर 4 किलो प्रति एकड़ जाता है। और ये इसका काम क्या है कि धान में लगने वाले जो है तना छेदक, फली छेदक, स्टेम बोरर, ये सब जो पत्ती लपेट सारे रोग आते हैं उनको लगने नहीं देता है, और धान के यील्ड को, पैदावार को बढ़ा देता है। और आपका धान जो लोड जाता है, ये सब प्रकार होती है, ये सब नहीं होता है, जिससे किसान खुशहाल रहता है। उसी संदर्भ में चलेंगे तो हमारा गेहूं के लिए हर्बिसाइड है, मतलब सारे रेंज अपने पास हैं और सारी ग्रीन केमिस्ट्री है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कुछ और विशेष जानकारी देना चाहेंगे, अब हम सर जी से बात करना चाहेंगे जो संस्थापक महोदय हैं। सर नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार आपसे मेरा नमस्कार भाई साहब, और मैं चाहूँगा कि ये कृषि विकास केंद्र जो 18 वर्षों से ये बड़ा गांव यूनियन स्टेट बैंक के पास रहा, वहाँ से हट करके यहाँ आया हुआ है, और ये किसानों के लिए हमेशा जो है सहयोग के भाव से, व्यापार तो व्यापार है ही है, लेकिन किसानों को तकनीकी और दिशा, और विशेष करके जो सब्जी की तकनीकी खेती है इसको किसानों को बताया जाता है, और उनको अच्छी गुणवत्ता के बीज, दवा और मार्गदर्शन, मंडी बेचने का काम ये सब बताया जाता है। और इधर के तमाम सैकड़ों किसान टमाटर के, बैंगन के, मिर्च के काफ़ी सुकून और खुशहाली महसूस करते हैं। आज लोगों को अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे बीज और अच्छे दवा के अलावा अच्छी तकनीक की जानकारी भी इतनी ज़रूरी है जितना बढ़िया बीज और बढ़िया दवा की ज़रूरत होती है। उनको सही दिशा निर्देश मिले तो किसान आत्मनिर्भर हो सकता है, वो दूसरे देश या दूसरे प्रांत जाने से अच्छा है अपने उत्तर प्रदेश में। इस समय संभावनाओं का बहुत बड़ा पिटारा है जी, जो कि सरकार भी मानती है, और हम नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी भविष्य यहाँ देखा जा रहा है कि हम लोग अगर थोड़ा सा, क्योंकि उत्तर भारत का जो उत्तर प्रदेश मैदानी इलाका है यहाँ का खेती बाड़ी की संभावना बहुत अच्छी है। और अभी तो हमारा बावतपुर एरिया है, बगल में एयरपोर्ट यहाँ से 2 किलोमीटर है जी, हाँ जी। वहाँ से करेले का और कई सब्जियों का जो कि इराक, ईरान, कई देशों एक्सपोर्ट भी होता है जी, हाँ जी, हाँ। तो हम चाहेंगे कि किसान जुड़ें इस दुकान के माध्यम से, आपको चीज़ें तो मिलेगी, दवा मिलेगा, बीज मिलेगा, इसके अलावा आपको तकनीकी जानकारी भी दी जाएगी। यहाँ पे पौधे तैयार करके मर्चे बैंगन टमाटर का प्लांट भी दिया जाता है, तो हम चाहेंगे कि किसान उनका लाभ ले। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके पास जो है नर्सरी टाइप की सुविधाएं भी है क्या? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई किसान आता है और कहता है कि हमें ये पौधा चाहिए, चाहे हमें ये इस तरह की सुविधा चाहिए। आजकल के समय में जो खेती हो गई है थोड़ी सी कठिन भी हो गई है, तो मतलब क्या आप किसान भाइयों का मदद करते हैं इस संदर्भ में? ये बहुत आपने बहुत बढ़िया बात पूछ लिया, क्योंकि जब बारिश में, देखिए आम मौसम में तो नर्सरी तैयार करना आसान होता है, लेकिन जब बारिश गिरने लगती है तो उसमें जो गोभी, टमाटर, मिर्च का जो नर्सरी होता है बहुत कॉस्टली होता है जी। हाँ, कॉस्टली काफ़ी, 20,000 से 60,000 80,000 रुपये केजी का बीज होता है, और किसान उसको किसी तरह से मैनेज करता है, पता लगा बारिश गिर गई उस पर सब नर्सरी खत्म हो गई। तो मेरे यहाँ 2-3 साल, करीब ये 3रा साल है, हम 2 लाख 2.5 लाख पौधे अभी तो बेच रहे थे,
और वो ट्रे का पौधा होता है जी हाँ जी हाँ, तो उसमें 99-98 पौधे होते हैं एक ट्रे में जी हाँ जी। और वो जो मिर्च का पेड़ होता है वो डबल होता है, वो हमारा मिर्जापुर जौनपुर का आर्डर रहता है, वो जाता रहता है। इसमें नर्सरी की सोई चल रही है और 15 जुलाई तक हमारा निकलना शुरू हो जाएगा। हम चाहेंगे कि आप लोग किसान भाई इससे जुड़ें और पौधे ले जा करके डायरेक्ट अपना मिर्चा टमाटर बैंगन का रोपाई कर सकते हैं। सर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी कृषि से जुड़े हुए कई सारे उपकरण, प्रयोगशालाएं और उन्नत बीजों का निर्माण किया जाता है, इसके बारे में आप कुछ बताएं। हाँ सर, वहाँ से हमने सन 1990 में जब एडमिशन लिया था तो मेरा तो विषय एग्रीकल्चर नहीं था, लेकिन वहाँ के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक थे, मौका मिलता था गोष्ठियों में उनके साथ जाने का और उनकी बातों सुनने का, उससे वही से मेरा विचार भी, मैं तो नॉन टेक्निकल था, मेरी पढ़ाई तो भाई आर्ट से थी, हमने पीएचडी के वहाँ से सन 2002 तक, लेकिन वहाँ से हमने खेती के बारे में वही तकनीकी सीखा और मिर्ज़ापुर चंदौली में जहाँ जहाँ उनकी गोष्ठियाँ होती थी वहाँ के जो वैज्ञानिक थे हमको भी, हम लोग भी जाते थे और वहाँ से राजमा की खेती, इसके अलावा कई प्रकार के गेहूँ का, धान का, जो नई नई प्रजाति विश्वविद्यालय बनारस यूनिवर्सिटी ने दिया है, हम लोगों ने उसको विधिवत किया, कराया, लोगों को बताया, किसान बहुत ही खुशहाल हुए हैं। और यही मैं बताना चाहता हूँ कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर का और वहाँ के वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान है इस एरिया में, इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं आपके व्यवसाय के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही साथ इस क्षेत्र के सभी छोटे बड़े किसान भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि इस केंद्र पर आएँ, इस केंद्र पर दी जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ उठाएँ। और मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।